हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग प्रीमियर 2 में बैठे हैं। तो प्रीमियर 2 का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आईआईटी मेंस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल थ्योरम, तो ये दो टॉपिक मैंने आज लिए हैं। इन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है हमको समझना, उनके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कलेक्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, पहला तरीका बड़ा आसान सा है, क्या क्या वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास और भी ज़्यादा अच्छा है, क्या कि हम कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट सेज, इट सेज इफ द आरथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स एक्स रेज टू द पावर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो आरथ टर्म को सिंपली टी आर प्लस 1 लिख के कर देते हैं क्वेश्चन को, और फिर वहां पे आंसर मिसमैच कर जाता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि यू नो दैट कि जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज गिवन बाय टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर। पहला नंबर, जो पहला एक्सप्रेशन है x, उसकी पावर n माइनस आर, और जो दूसरा नंबर है उसकी पावर r। यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो जनरल टर्म मैंने लिखी है, ये लिखी है x प्लस a रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में, जहाँ पर a इज फर्स्ट नंबर एंड b इज सेकेंड नंबर। ठीक है, अब जल्दबाजी में क्या होता है कि वो सीधे इसी को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, जबकि यहाँ साफ साफ बोला है आरथ टर्म, और ये जो जनरल टर्म होती है ये आर प्लस वन टर्म होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आर्थ टर्म पुटिंग आर इन प्लेस ऑफ आर प्लस वन इन अबव एक्सप्रेशन। क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे आर्थ टर्म पूछी है तो मुझे टी आर बनाना पड़ेगा। टी आर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि आर लिख दिया इन प्लेस ऑफ आर प्लस वन, जहां आर प्लस वन आ रहा था वहां आर लिख दिया, तो जहां आर आ रहा था वहां क्या लिखना पड़ेगा, आर माइनस वन। तो फाइनली टी आर क्या हो जाएगा, आर टर्म इज एन सी आर की जगह लिखना पड़ेगा आर माइनस वन, मतलब आर की हर वैल्यू कम करनी है। पहला नंबर, अब देखो एक्सप्रेशन में पहला नंबर इज व्हाट, एक्स बाई थ्री, उसकी पावर कितनी, एन माइनस आर की जगह क्या रिप्लेस करना है, आर माइनस वन को करना है। फिर ए मतलब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इज माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर लिखी हुई है आर, तो आर हमारे पास कितना है यहां पर, आर माइनस वन। फिर समझा रहा हूं, हमको जनरल टर्म टी आर प्लस वन की वन होती है, तो टी आर प्लस वन के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर आर प्लस वन आता है तो सब जगह आर आता है, तो अगर मैंने आर के लिए लिखा तो सब जगह आर माइनस वन आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, यहां पर एन की वैल्यू हमारे पास है विच इज इक्वल टू 10, तो एन की वैल्यू 10 भी रख देते हैं, तो टी आर क्या हो जाएगा, 10 सी आर माइनस वन, पहला नंबर x बाई थ्री, उसकी पावर 10, इसको ओपन कर लेते हैं तो इट इज माइनस आर प्लस वन, और माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर माइनस वन। अब हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ x की पावर्स दे रखी है कि ये जो भी टर्म होगी ना इसमें x की पावर 4 आएगी। अब क्या होता है, उलझने वाली बात है, बच्चे क्या करेंगे पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। एक्स की पावर गिवन है और आर पूछा है, मतलब सब कुछ चीजें भूल जाओ आप, 10 सी आर माइनस वन भी भूल जाओ आप, ये बाय थ्री और ऊपर जो माइनस टू है सब भूल जाओ, आप सिर्फ एक्स की पावर्स को टारगेट करो। तो क्या लिखोगे, आपने क्या किया, 10 सी आर माइनस वन को आगे लिख दिया, भूल गए। अच्छा, ये 11 माइनस आर पावर है, तो 1/3 की पावर 11 माइनस आर को अलग लिख दिया, और एक्स की पावर 11 माइनस आर को अलग लिख दिया, 11 माइनस आर को अलग लिख दिया। कैसे किया, देखो यहां जो न्यूमरेटर में एक्स है उसकी पावर हो गई 11 माइनस आर, डिनोमिनेटर में जो 3 लिखा हुआ उसकी पावर भी 11 माइनस आर है, तो मैंने 11 माइनस आर के साथ 1/3 को बाहर भेज दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स की पावर की रिक्वायरमेंट है। अब अगला देखिए, अगले में भी मैंने क्या किया, माइनस टू जो है इसकी पावर आर माइनस वन को अलग लिख दिया, और एक्स स्क्वायर जो है 1/x² इसकी पावर आर माइनस वन को अलग लिख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x की पावर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर x की पावर्स की रिक्वायरमेंट है तो देखिए 10 सी आर माइनस वन भूल गए, 1/3 रेस टू द पावर 11 माइनस आर भूल गए, माइनस टू रेस टू द पावर आर माइनस वन भूल गए। सिर्फ मतलब बचा किससे, एक तो x की पावर आ रही है 11 माइनस आर,
और एक देखो ये x स्क्वायर मतलब नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये x की पावर माइनस टू हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस टू पे लगा हुआ है r माइनस वन, सिर्फ x की पावर्स को सॉल्व करना है। नाउ वी हैव लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जो क्या बोलते हैं कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो हम डायरेक्टली उन पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब आगे की चीज़ में कुछ भी नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ tr का एक्सप्रेशन जो है इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, यहाँ पर x की पावर्स को सॉल्व किया। x की पावर्स क्या बन रही है, एक तो बन रही है 11 माइनस आर, ये पीछे से आएगा माइनस 2r प्लस 2, सब कुछ आपके सामने है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पूरी टर्म होगी इस पे पावर कितनी लिखी हुई है, कंटेन्स x की पावर 4, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन x रेज़ टू द पावर, यहाँ पर पावर क्या दे रखी है 13 माइनस 3r, अगर इसको सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है x की पावर 4 के इक्वल है, तो जब पावर्स कंपेयर करेंगे तो विल गेट 13 माइनस 3r इक्वल टू 4, 3r को सेकंड साइड ले गए, 4 को सेकंड साइड ले गए, तो इट इज 13 माइनस 4, तो यहाँ से 3r की वैल्यू कितनी आई 9, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3, विच इज ऑप्शन बी, एंड होपफुली ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ फोकस करना था x की पावर्स पे, तो x की पावर्स को हमने देखा, उसको हमने सीधे अलग निकाल के लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सिंप्लीफाई किया और इसको इक्वल टू x की पावर 4 के कर दिया। तो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला, देर आर थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, मतलब क्या होना है कि एक होना है, वन ऑफ विच इनमें से एक होना है और सिर्फ एक ही होना है। द ऑड्स आर 8-2-3 अगेंस्ट ए, मतलब ऑड्स अगेंस्ट ए जो दे रखा है अपने को वो दे रखा है 8-2-3 एंड ऑड्स अगेंस्ट बी इज गिवन एज 5-2। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड ऑड्स अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट में क्या ऑड्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, देखिए मैं इसको एक बार इंक चेंज करके समझाता हूँ तुम्हें, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऑड्स अगेंस्ट ए का बेसिक फार्मूला होता है पी ए बार अपॉन P ऑफ A, कहने का मतलब क्या हुआ कि A के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन A की हैपनिंग प्रोबेबिलिटी का जो रेशो होता है वो होता है ऑड्स अगेंस्ट A। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 8/3। यहाँ पर ये चीज भी हमें याद होनी चाहिए, मैं एक बार इसे लिखवा देता हूँ कि ऑड्स अगेंस्ट A अगर हमारे पास दे रखा है n अपॉन m, देन probability of A is given by m upon n plus m and probability of A bar मतलब non-happening probability is given by n upon m plus n। अच्छा, अगर यही probability अपने को ये जो दे रखा है odds against, इसकी जगह अगर दे रखा होता odds in favor, तो फिर क्या हो जाता कि it would be n upon m according to this case। तो अगर उस ऊपर वाले fact को हम use करें तो यहाँ से हमारे पास दो तरह की probability निकल के आ जाएगी, एक आ जाएगी p of a, तो p of a क्या हो जाएगा कि जो उसके सामने लिखा हुआ है वो है 3 upon दोनों का sum, that is 11। तो ये तो probability of a आ गई, and probability of a bar कितना आ गया यहाँ से 8/11। अब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे। अच्छा, odd against b भी गिवन है अपने को, ठीक है, odds against b वो हमको दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, पी बी बार अपॉन पी बी, और ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी दे रखी है 5-2-2। ठीक है, तो अगर यहां से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो इट इज क्वाइट ईजी, वही ऊपर वाला लॉजिक यूज करेंगे, बी निकालनी है तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है 2 अपॉन टोटल का सम, दैट इज 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई। अब देखिए, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि तीन इवेंट हैं, इन तीनों के प्रोबेबिलिटी जो है उसका सम ऑफ 1 देगा, क्योंकि वी नो कि सिग्मा ऑफ पी ऑफ ए आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी इवेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो यहाँ पर भी इट वुड बी 1, चलिए वैल्यूज रख देते हैं, 3/11 प्लस 2/7 प्लस पी ऑफ सी
इज इक्वल टू वन. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ऑड्स अगेंस्ट सी, और ऑड्स अगेंस्ट सी का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज पी सी बार अपॉन पी सी, यही होगा. तो हम पी सी निकालेंगे, उससे पी सी बार आ जाएगा, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए एक बार इसको आगे सॉल्व करते हैं. यहाँ एल सी एम ले लिया हमने, इट वुड बी 77, तो ये हो गया 7 से 21 और 7 से 11 से 22 प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से वी कैन से कि पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपके पास 43 अपॉन 77. ओके, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आया देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 34 अपॉन 77. फाइन. अच्छा, अब यहां तो तुमको ऊपर वैसे दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 1 माइनस 43 अपॉन 77. तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख के ये भी तो बोल सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश वुड बी 43 अपॉन 77, क्योंकि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो यहां से अगर मैंने पी ऑफ ए लिखा तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार. वही मैंने यहाँ किया कि P of C दिख रहा है 1 minus something, तो वो जो something होगा वो क्या होगा, PC bar होगा. अब मैं क्या लिखूंगा, so finally odds against C, C के against में odd क्या होंगे, तो P of C bar upon P of C, P of C bar कितना आया 43 upon 77 upon P of C, P of C कितना आया 34 upon 77, तो answer would be 43 upon 34. This would be the final answer. Odds against C. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 43 ऑप्शन डी, 43 अपॉन 34. ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से मैं जरा सा समराइज कर रहा हूं. हमें क्या, हमें ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि odds against A क्या होता है. अगर ये फॉर्मूला पता है तो फिर तो हम PA निकाल लेंगे, PA बाहर निकाल लेंगे बाई यूजिंग द अबव फैक्ट, जो राइट हैंड साइड में टॉप मोस्ट पे लिखा हुआ है, उस फैक्ट से हमने PA भी निकाल लिया, PA बार भी निकाल लिया, फिर ऐसे ही PB और PB बार निकल के आ गया, और फिर हमने क्या करा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी से P of C निकाला, P of C से PC बार आ गया, और दोनों का जो रेशियो हो गया वो आपके पास आ गया ऑड्स अगेंस्ट C. तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, उसने बोला इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n आर इन AP देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू. तो चलिए देखते हैं. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n का एक्सपेंशन क्या होता है, इट इज 2nc0 2nc1 x 2nc2 x स्क्वायर 2nc3 x क्यूब, ऐसे करते करते आगे चलता जाता है. अब इसमें क्या बोला है, सेकंड टर्म मतलब ये वाला, थर्ड टर्म ये रहा, फोर्थ टर्म ये रहा, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एपी में है. इसका मतलब क्या हो गया कि 2nc1 2nc2 एंड 2nc3 आर इन एपी, और अगर ये एपी में है तो बीच वाली टर्म जो होगा वो डबल होगा बाकी दो के एडिशन का. तो कैन वी से कि 2 टाइम्स ऑफ 2nc2 मस्ट बी इक्वल टू 2nc1 प्लस 2nc3, ये दे रखा हमको कंडीशन. चलिए इसको ओपन करते हैं. टू टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि एनसीआर क्या होता है, इट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर. तो अगर उस फॉर्मूले को यहाँ प्लेस करें तो इट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मतलब 1 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इन टू फैक्टोरियल एन माइनस आर. यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं. अब देखो सब में से 2 फैक्टोरियल मतलब 2n फैक्टोरियल जो है ना न्यूमरेटर का, वो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये 2 से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लें, या फिर अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो चलो बढ़ा लो. यहाँ पर ये 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है ही सही, जैसे ऊपर 2n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, पीछे इन तीनों में मेरे को क्या मिलेगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मिलेगा. तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ देखना, 2n माइनस 2 को बाहर निकाला एक टर्म, तो बचा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल. ये तो आता ही है कि सिंस वी नो दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक नंबर बाहर निकालोगे तो अगले वाले का फैक्टोरियल बन जाएगा. अब यहाँ क्या बन जाएगा, देखो न्यूमरेटर में से 2n फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन, अच्छा 2n माइनस 1 बाहर निकाला, 2n माइनस 2 बाहर निकाला,
और बचा हुआ 2n-3 जो है उसका फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। इट इज 1/3 फैक्टोरियल होता है 6, और ये 2n-3 फैक्टोरियल रहने दिया। क्या बेनिफिट हुआ, ये 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरे को देखो अगली स्टेप में 2n-3 फैक्टोरियल भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने क्या लिखा 1/2, ये 2 कॉमन ले लिया तो बचा n-1 इनटू 2n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर में से 1/2n-3 फैक्टोरियल निकल रहा है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में से 2 भी निकल रहा है कॉमन। ओके देखो ढंग से 2 भी निकल रहा है, कहां से ये 2 निकलेगा यहां से, तो पहली वाली टर्म क्या बन जाएगी, देखो 2n-1 अपनी जगह पे एज इट इज है, वो जो 2 बाहर निकला वो यहां बना देगा n-1। फिर लास्ट वाले में क्या आ रहा है 1/3 ओनली। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अब ये फैक्टोरियल वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, ये 2 भी कैंसिल हो गया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपलीफाई हो गया इस प्रोसीजर से। अब जैसे ही ये सिंपलीफाई हुआ हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई LHS में 1/n-1 सिंपली इज इक्वल टू RHS में। एक काम करते हैं जो इनर ब्रैकेट्स हैं इनका LCM ले लेते हैं, तो वी वुड गेट 3 टाइम्स ऑफ 2n-1 इनटू n-1। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला गया इधर से, और यहां पर क्या बच जाएगा अपने पास प्लस 2n-1 इनटू n-1। कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने एलसीएम लिया ये जो n-1 है ये भी n-1 से उड़ गया। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड साइड, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2n-1 इज इक्वल टू, इनको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 3 प्लस, अच्छा इसको देखो क्या बनेगा 2n² - 2n - n+1, वही इनर ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कराया, इधर क्या बचेगा 6n-3 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 3 प्लस 2n² ये -3n है तो ये -3n और ये प्लस में 1 आ गया। अब सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर अपने पास 2n² हो गया, ये -3n इधर था और उधर से भी आ गया -6n पहला तो, फिर उसके बाद यहाँ था मेरे पास +4 उधर से आ गया +3, तो फाइनली ये जो LHS बन गया है तो 0 बन गया क्योंकि सब कुछ इधर ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2n² - 9n+7 इज इक्वल टू 0। तो अगर वो तीन टर्म AP में है तो क्या होगा 2n² - 9n+7 वुड बी इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ये 2n² - 9n+7 ऑप्शन बी। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो बड़ा सिंपल सा तुम्हारे पास तो हथियार है, क्या वीडियो को रिवाइंड कर लो। वैसे मैंने बड़े सिंपल तरीके से इसको अरेंज किया है, फैक्टोरियल्स कॉमन लिए हैं, कैंसिल किया है जो जो कॉमन आ रहा है और फिर फाइनली इक्वेशन बना दी। क्या बोला इसमें, इसमें ये बोला कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स बनाना आर अरेंज रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड दस फॉर्म डज नॉट कंटेन द पैटर्न BAN, मतलब BAN जो है वो एक साथ नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको। अच्छा पहले तो हम ये देख लें क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके टोटल कितने परम्यूटेशन या अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर बनाना को अरेंज करें तो बनाना में हमारे पास क्या क्या है, देखो बनाना में हमारे पास 3 टाइम्स तो आ रहा है ए, 2 टाइम आ रहा है एन और 1 टाइम आ रहा है बी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी नो दैट कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वुड बी वॉट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी वन इंटू फैक्टोरियल पी टू एंड सो ऑन, मतलब जो रिपीटेशन होते हैं वो नीचे डिवाइड हो जाते हैं। टोटल कितने कैरेक्टर हैं 6 डिवाइडेड बाय, पहला रिपीटेशन क्या है ये तो है 3A के लिए, फिर दूसरा रिपीटेशन क्या है ये है 2N के लिए, कोई रिपीटेशन इसके अलावा है नहीं, तो ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। तो मैंने लिखा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वॉट 3 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन गए बनाना के लिए कि बनाना से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं रीअरेंज करके अल्फाबेट्स को, तो ये हो गया 60। ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब मैंने क्या लिखा, हमको बोला है कि बनाना का जो BAN है ये साथ में नहीं आना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं मैं इसको साथ में ले लेता हूं, तो कैसे कि लेट द पैटर्न BAN अपीयर्स। ठीक है, मैंने मान लिया कि BAN जो है वो एक साथ आ रहा है इसी पोजीशन पे, तो अब देखो टोटल जो बनाना था
उसमें एक बॉक्स में तो चला गया बी ए एन। अच्छा, इसको अंदर से भी अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बी ए एन ही दिखना चाहिए अरेंजमेंट में। तो अब तीन अल्फाबेट अंदर आ गए, टोटल मिला के छह अल्फाबेट थे। कितने बच रहे हैं? सर तीन बच रहे हैं। तीन में क्या क्या बच रहे हैं? ए बच रहा है, एन बच रहा है, ए बच रहा है, जिसमें कि टू टाइम्स आ रहा है ए, मतलब रिपीट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि बी ए एन को अगर हम एक सिंगल अल्फाबेट माने तो इससे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? तो वो कितना हो जाएगा, देखो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये तो बी ए एन के लिए हो गया, डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। अब क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ए आ रहा है क्योंकि ए और एन तो एक एक अंदर जा चुका है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, सो इट इज 12। ये वो पैटर्न्स हैं जिसमें बी ए एन साथ में आएंगे, एक साथ आएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो द पैटर्न विच डज नॉट कंटेन बी ए एन वुड बी व्हाट, टोटल जो आपने काउंट करें, टोटल में से कंटेन्स बी ए एन हटा दो, कि टोटल में से अगर होने वाले को हटा दिया तो नॉट हैपनिंग आ जाएगा। टोटल कितने थे, कैसे 60, 60 में से 12 हटा दो तो कितने बच जाएंगे 48। तो 48 ऐसे पैटर्न बनेंगे जिसमें बी ए एन जो है वो साथ में नहीं आएगा, क्योंकि साथ में आने वाले हमारे पास 12 बन चुके हैं, तो साथ में ना आने वाले कितने बन गए 48। अब आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमसे तो क्या पूछा है, हमसे काउंट नहीं पूछा, हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी, फाइनली प्रोबेबिलिटी दैट बी ए एन डज नॉट कंटेन दिस पैटर्न इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यही होगा। अब देखिए, इस पूरे क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए एन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल केसेस कितने हैं इसके फेवर में, 48 है, टोटल केसेस कितने थे 60 थे, तो आंसर कितना हो गया 4/5। सो 4/5 वुड बी द प्रोबेबिलिटी कि ये जो बी ए एन है ये साथ में नहीं आएगा, तो आंसर वुड बी सी। पहले तो टोटल केसेस निकाले, वही फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल P1, P2 फैक्टोरियल करके, जिससे आ गए टोटल कैरेक्टर। अब मैंने मान लिया बी एन साथ में है, एक प्रॉपर यूनिट है, तो उसके हिसाब से 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गए। अब टोटल में से उनको हटा दिया तो बी एन अलग अलग हो गया, और अगर बी एन अलग अलग हो गया तो हमारे केसेस कितने बन गए, 48, विच आर फेवरेबल टू डज नॉट कंटेन दिस पैटर्न, तो प्रॉबिलिटी आ गई 4/5। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला कि इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इतना देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, क्या कि वी नो दैट इन एनी एक्सप्रेशन टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर, पहला नंबर। अगर मैं लेके चल रहा हूं कि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ एक्स प्लस ए रेस टू द पावर एन में, तो एन सी आर जो पहला नंबर दिख रहा है उसकी पावर एन माइनस आर, और जो सेकेंड नंबर दिख रहा है उसकी पावर आर, यही होता है हमारा एक्सपेंशन। अब देखिए यहां पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हमें क्या बोल रखा है, सिक्स्थ टर्म। तो आर प्लस वन जो है, ये जो आर प्लस वन लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे रखना है टी सिक्स के लिए 6। तो यहां से आर कितना निकल के आ गया 5, मतलब आपको इस ऊपर वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, तब जाके टी सिक्स बनेगा, ठीक है? फिर पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, इस ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो क्या बन रहा है, 1/x^3 8/3। और अगर हम सेकेंड नंबर देखें तो सेकेंड नंबर ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या बन रहा है, x² log x with base 10। ये पहला, सेकेंड नंबर और ये r, तीनों वैल्यू देख ली। अच्छा, n क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भी गिवन है कि हियर इज n इज ऑल्सो 8। तो जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है तो अब हम एक काम करते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो टी 5 + 1, मतलब वही 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू एन सी आर, तो ये हो जाएगा 8C5, ठीक है? पहला नंबर मतलब 1/x^3 8/3 होल पावर एन माइनस आर, तो 8 - 5। और दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इज x² log 10x^r, आर कितना है 5। अच्छा, ये जो टी सिक्स है ये हमको क्वेश्चन में दे भी रखा है 5600, तो चलिए इसको इक्वल टू लेके चलते हैं क्योंकि हमें एक्स निकालना है। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को ढंग से, ये बन गया टी सिक्स,
वही सिक्स टर्म 8c5 इज इक्वल टू 8c3 वही सिंस वी नो दैट NCR is equals to NCN minus R, तो 8C5 can be written as 8C3. अब 8C3 को तो open करना आता है आपको, कितना 8 को करो 3 time, divided by कितना 3 factorial, तो वो जाएगा 3 into 2 into 1. आप चाहे तो इसको वैसे भी open करके कर सकते हैं, result would be same into. अब देखिए ये power हो गई 3, एक power के ऊपर दूसरी power, both will get product, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon x raised to power 8 by 3 तो था ही सही. अगली step में इसको मैं directly cancel करूंगा, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये जो पावर 3 बाहर लगी हुई है इसको तो ऐसा कैसे ही छोड़ते हैं. हमारे पास देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x रेज़ टू द पावर -8/3 लिखा हुआ है, ये तो 1 अपॉन वाला कांसेप्ट हटा दिया और ऊपर पावर लगी हुई 3. अच्छा इस पावर को अंदर लेके चलो अगले वाले में, तो 5 पावर अंदर जाएगी तो x की पावर बना देगा 10 और ये log 10 विद बेस सॉरी log x विद बेस 10 की पावर कितनी बन जाएगी 5 is equal to कितना हो गया 5600. सिर्फ पावर्स को अंदर लेके गए और कुछ नहीं किया. अब देखिए ये 3 2 सा 6 कैंसिल हो गया, 8 7 सा 56, तो 56 is 5600 से 100 टाइम कैंसिल हो गया, बाहर वाला नंबर खत्म हो गया. अच्छा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो जो भी लॉजिक लिख रहे हैं वो साइड में लिखता जा रहा हूं कि अगर हमारे पास a रेज़ टू द पावर m होल पावर n है तो हम उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं m into n. तो जब मैं इस पहले वाले ब्रैकेट में प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास सीधा क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा x raised to the power minus 8. अच्छा दूसरे ब्रैकेट से x की पावर कितनी निकल के आ रही है, 10 निकल के आ रही है. उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, log x with base 10 whole power 5 is equals to how much, वो दिख रहा है मेरे को 100 के इक्वल. अच्छा x की पावर्स को लड़ा भिड़ी करो, we know that a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n, पावर्स ऐड हो जाती है. तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा x square और ये क्या बन गया हमारे पास log 10x5 is equal to, देखो 100 को भी मैं 10 square लिख सकता हूँ, 100 can be written as 10 square, तो वो तो मेरे को इस x square से match होता हुआ दिख रहा है. तो अंदर वाले में भी कुछ ऐसा रखे क्या जो कि सीधे सीधे match हो जाए, तो मैंने सोचा कि इसको मैं log 10 10 तो लिख ही सकता हूँ और उसकी power 5 लिख देता हूँ. Since we know that log 10 10 is equal to 1, क्या किया मैंने, ये जो 100 था ना इसके आगे 1 से product कर दिया. 100 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो भी 100 ही होगा. अब ये जो अंदर वाला 1 है इसकी जगह लिख दिया log 10 10 और उसके ऊपर पावर 5 लगा दी क्योंकि 1 की पावर 5 भी 1 ही होता है. क्या बेनिफिट हुआ इस स्टेप से, इस स्टेप से बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास सीधा सीधा कंपेयर कर लिया मैंने, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास डायरेक्टली x is equals to 10. देख लो बड़ा आसान है, बस सिर्फ कुछ नहीं करा, इधर हमने RHS में 1 रखा, 1 को लिख दिया log 10 10, क्यों लिखा, ताकि आगे की कैलकुलेशन बच जाए. वैसे हम इसको आगे इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टाइम बचाने के लिए, स्मार्टली क्वेश्चन करने के लिए हमने इसको सीधे कंपेयर किया. तो यहां से वी गॉट x is equals to 10. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस. अच्छा x 10 है तो आंसर कितना आ गया b, तो ये आंसर वुड बी b. आसान था, बस केवल हमको अरेंज करना था ढंग से, बाकी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, 9 कार्ड्स आर लेबल्ड फ्रॉम 0 टू 8, 0 टू 1 उन पे लिखा हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड पुट ऑन अ टेबल इन अ सक्सेसिव ऑर्डर, पहले एक रखा फिर एक रखा, एंड देन द रिजल्टिंग नंबर इज रीड एज 07 मतलब 742 इस तरीके से एंड सो ऑन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन. तो देखिए हमारे पास टोटल मिला के 9 कार्ड्स हैं, है ना, 9 कार्ड्स में से 2 कार्ड लेने हैं और उनको टेबल पे रखना है. तो पहले तो इतना समझते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगी, नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो पहले निकालते हैं दो नंबर आने के कितने केसेस है, ठीक है. देखिए वी नो दैट टू नंबर्स कैन बी सिलेक्टेड from 9 numbered in 9C2 ways. पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको select करना पड़ेगा, दो number उठाने पड़ेंगे, है ना, अब उनको table पे रखना है. मैंने मान लिया कि दो number जो मैंने उठाए हैं वो है A और B, A उठाया B उठाया, अब उनको table पे रखना है तो उनको permute भी तो कर सकते हैं. आपने A B बोला या फिर B A बोला, मतलब we have two ways to arrange them. दो कार्ड्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं. तो नाउ
arrangement of these cards can be done in 2 factorial ways. फिर समझना एक बार ढंग से, पहले तो 9 में से 2 कार्ड उठाए है ना, अब उन 2 कार्ड्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं कि या तो आप ये और ये बोलोगे या फिर ये और ये बोलोगे, तो वी हैव 2 वेज टू अरेंज देम. सो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ द सेम वुड बी 92 into factorial 2. यही होगा टोटल नंबर ऑफ वेज इसका. 92 को क्या लिख सकते हैं, 9 into 8 divided by 2, यही होता है, into 2 factorial is 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 72. तो दो नंबर 9 नंबर्स में से कितने तरीके से हम सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, 72 वेज से. ये तो पहला हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज. अब हमको क्या बोला कि जो नंबर ऑब्टेंड है वो इवन होना चाहिए, ठीक है. अब आ जाते हैं, देखो 2 कार्ड लेने हैं हमको, ठीक है, 2 कार्ड लेने हैं. सोचो इस वाले पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे. इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है. इसका मतलब सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए वी हैव 5 वेज. 5 में से कोई सी भी डिजिट इस पे आ सकती है, क्योंकि यूनिट डिजिट का इवन होना जरूरी है, तभी ओवरऑल नंबर इवन होगा. अब आते हैं इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं कि सर एक डिजिट जा चुकी है, वी हैव टोटल 9 डिजिट्स, एक गई 8 बची, तो 8 के 8 रख सकते हैं, या तो कोई परेशानी नहीं है. अब अगर कोई बच्चा है सोच रहा है सर आगे 0 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, 2 डिजिट नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं है. 07 इज ऑल्सो परमिसिबल, ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर आगे 0 भी आ गया 10th प्लेस पे तो भी कोई परेशानी नहीं है, नंबर तो बोल ही सकते हैं 02, कहां दिक्कत है. तो यहां पर अगर इस अरेंजमेंट को देखें तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ फ्रॉम अबव केसेस टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेंड आर, पहले डिजिट को फिल करने के 8 तरीके, दूसरी डिजिट को फिल करने के 5 वेज, दोनों सक्सेसिव टास्क हैं, तो सक्सेसिव टास्क है तो टोटल 8 into 5 दैट इज इक्वल टू 40. वी हैव 40 वेज ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स फ्रॉम 9 लेबल्ड कार्ड्स. हो गया आप तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी व्हाट, नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो विल गेट 5/9 एंड 5/9 इज ऑप्शन सी. तो मेरे हिसाब समझ में आएगा, पहले तो क्या करना है, 9 में से 2 को लेना है और 2 को अरेंज करना है, तो 92 into factorial 2. फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें इवन नंबर ही चाहिए, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उन नंबर्स में से इवन नंबर आने के क्या केसेस हैं वो देखें. तो इवन नंबर के लिए जो 2 नंबर आपको चूज करने हैं उसमें जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, आपके पास इवन होनी चाहिए, यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन, इवन होनी चाहिए. तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है, 5 वेज है. बची हुई जो 8 प्लेसेस है, 8 डिजिट्स है, उनको किसी को भी रख दो आप 10th प्लेस पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 into 5, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर इज, ओवरऑल आंसर इज 5/9. तो ये था कि जो 2 कार्ड सिलेक्ट किए उसमें इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, एंड होपफुली ये समझ में आ गया होगा. चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है एक्सपेंशन पे. बोला इन दोनों को अगर एक्सपेंड करके प्लस करते हो तो कितनी टर्म्स ऐसी होंगी जो कि नॉन जीरो होंगी. तो ये तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया है अगर देखें तो. यहां पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी एक्सपेंशन में, 10, क्योंकि देखो 10 यहां से आएगी, मतलब मैंने अगर पावर 9 ली तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 10 और 10 टर्म यहां भी आएगी. हमने पढ़ा है कि ये जो एक्सपेंशन होते हैं उनमें न्यूमेरिकली जो टर्म्स होती है वो सेम होती है, सिर्फ प्लस माइनस का वेरिएशन होता है. कैसे, देखो मैं समझाता हूं. यहां पर मैंने लिखा, मैं 2 नंबर ऐसे लेके चल रहा हूं, लेट्स से a प्लस बी रेस टू दी पावर एन अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a रेस टू दी पावर n माइनस 2 b रेस टू दी पावर 2. ऐसे करते करते लास्ट में आ जाता था ncn a रेस टू दी पावर 0 एंड b रेस टू दी पावर n. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर दूसरा मैंने नेगेटिव का एक्सपेंशन लिया तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, सर टर्म्स तो वैसी की वैसी दिखती है, वो nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 सब दिखेगा, लेकिन हर अल्टरनेट टर्म पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पहली पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फिर थर्ड वुड बी पॉजिटिव nc2 a रेस टू दी पावर n माइनस 2 b रेस टू दी पावर 2, फोर्थ वुड बी नेगेटिव. जब मैं इनको ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो प्लस और माइनस साइन का एडिशन ही दे रखा है, जब मैं ऐड करूंगा तो फर्स्ट टर्म बच जाएगी, थर्ड टर्म बच जाएगी, फिफ्थ टर्म बच जाएगी,
ऐसे करते करते ऑड नंबर ऑफ टर्म बच जाएगी, ऑड प्लेस टर्म, और इवन नंबर्स पे जो टर्म है वो कैंसिल होती जाएंगी, प्लस माइनस, ठीक है। तो अब तुम खुद देखो, अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी ऊपर 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 10, तो कौन कौन सी टर्म बचेगी? फर्स्ट बचेगी, थर्ड बचेगी, फिफ्थ बचेगी, सेवंथ बचेगी और नाइन्थ बचेगी। ये पांच टर्म जो है ये बच जाएंगी, क्योंकि ये एड होके डबल हो जाएंगी, एड होके डबल हो जाएंगी। और जो सेकेंड टर्म है इस एक्सपेंशन की, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, एट टर्म, टेंथ टर्म, ये कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि आप एड कर रहे हो एक प्लस और एक माइनस को, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, कितनी नॉन जीरो टर्म होगी? कि सर ये जो टर्म्स होगी ना, ये सारी टर्म्स आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगी। तो आंसर वुड बी 5, कि 5 ऐसी टर्म होगी इसमें, इसके एक्सपेंशन में, जो कि नॉन जीरो होंगी। होपफुली समझ में आ गया होगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला 3 persons A, B, C speak at a function along with 5 other persons, मतलब total we have 8 persons. If the person speak at random, find the probability that A speaks before B and B speaks before C. A B के पहले बोलना चाहिए और B जो है वो C के पहले बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसे ही बोला हुआ ना कि A B के पहले आना चाहिए और B C के पहले आना चाहिए, मतलब उनका जो अरेंजमेंट होगा वो ये होना चाहिए। अब देखो, अरेंजमेंट ये जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ ऐसे आएंगे, वो ऐसा भी हो सकता है। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, तो ऐसा नहीं कि एबीसी को ऐसे ही चिपक के रखना है, नहीं, ए यहां भी आ सकता है, बी पीछे भी आ सकता है, सी और कहीं भी आ सकता है, लेकिन ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा कि ए पहले आएगा बी से और बी जो होगा वो सी से पहले आएगा। क्वेश्चन की ये डिमांड है, ठीक है। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा केस हो गया है। तो सबसे पहले तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। 8 पर्सन है, 80 को स्पीक करना है, कितने वेज से कर सकते हैं? 8p8 वेज में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 8। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 कि 8 पर्सन है, 8ों को बोलना है, कितने तरीके से बुलवा सकते हो आप? तो कितना अरेंजमेंट हो सकता है? 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है, वो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब डिनोमिनेटर आ गया। अब आते हैं हमारे केस पे कि ए बी सी का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मतलब फाइनली ए बी सी अरेंज नहीं होंगे, ए बी सी को तो सिर्फ बिठाना है पोजीशन चूज करके। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ए बी सी कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे। एबीसी को अगर अरेंज करने की बात है, मतलब घुमाने की बात है, तो सिर्फ एक ही तरीका है इनको घुमाने का कि ये एबीसी ऑर्डर में ही दिखेगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनकी पोजीशंस चूज करनी है। तो टोटल में आ गया हमारे पास कितने प्लेसेस है, 8। 8 में से इनको कितने प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है, 3 प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ 8 में से 3 प्लेसेस इनके लिए सेलेक्ट कर लो। अरेंजमेंट तो देख ही लिया, हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं ना। हमको क्वेश्चन में अरेंजमेंट ऑलरेडी दे रखा है कि ये तो बैठेंगे एबीसी स्टाइल में, कहीं भी बिठा सकते हो। तो फाइनली हमको एबीसी को परम्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 8 पोजीशन जो आपके पास है उनमें से 3 पोजीशंस को चूज करना है। तो मैंने क्या लिखा, सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज या परम्यूट ए बी सी इन required order is equal to total we have 8 places, 8 में से 3 place select कर लो। तो ये तो क्या करा, पहले तो place select किया, तो 8c3 आ गया। अब उनको बैठाया, बैठाना तो एक ही तरीके से है, तो into one arrangement तो उनका हो ही नहीं सकता, सिर्फ हमको तो उनके लिए places choose करने हैं और one factorial तरीके से उनको बिठाना है, मतलब एक ही तरीके से उनको बिठाना है कि A फिर B फिर C, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ए बी सी इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर इज 8c3। 8c3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 / 3 factorial। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया। अच्छा अब समझना, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एबीसी का अरेंजमेंट देखा है, बाकी के 5 पर्सन बचे हैं, बाकी के 5 पर्सन तो बचे हैं। उन 5 पर्सन को 5 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, रेस्ट 5 persons, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं उनको भूल जाएंगे बस इनको बिठा के और करते हैं, बाकी 5 भी तो आएंगे, उनका भी तो नंबर आएगा। तो rest 5 persons can be arranged in 5p5 ways, क्योंकि 5 position है, 5 person है, 5p5 क्या होता है, factorial 5। चलिए ये equation number 3, तो हम क्या बोलेंगे, so
favorable cases for ABC would be what? ABC के लिए favorable cases क्या हो गए? Equation number 2 और equation number 3. Equation number 2 क्या बोल रही है कि ABC को arrange किया तो 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial. ABC को arrange किया और बाकी के 5 person को arrange कर लिया into factorial 5 ways में. Clear? चलिए ये आ गई finally हमारे पास equation number 4 जिसमें आ गया कि favorable cases क्या है ABC होने के. अब मैं क्या बोलूँगा? Probability, required probability for ABC would be acceptable cases या favorable cases. क्या दिख रहा है? 8 into 7 into 6 into 5 factorial. इसको overall 8 factorial भी तो लिख सकते हैं. समझना, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो numerator तो 8 factorial बच गया. Divided by कितना आ रहा है? 3 factorial. ये तो क्या? Number of acceptable cases upon total number of cases. Total number of cases तो equation number 1 में पहले निकाल लेते हैं. 8 factorial. तो डिवाइड हो रहा है तो ये तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में. तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 1 अपॉन 6. एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूं क्वेश्चन को. 8 पर्सन है, 8 पोजीशन है, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट के? फैक्टोरियल 8. ये तो इक्वेशन 1 हो गई. अब क्या करना है कि 3 पर्सन को ऐसे रखना है कि ए के बाद बी आए, और बी मतलब ए जो है वो बी से पहले आए और बी जो है वो सी से पहले आए. तो मैंने देख लिया इनको परम्यूट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनका तो अरेंजमेंट फिक्स है, एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं. लेकिन इनकी पोजीशन तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ रखना है, और वो तो वेरी कर ही सकती है. हो सकता है तीनों एक साथ आ जाए, हो सकता है अलग अलग जैसे मैंने बिठाया, हो सकता है तुम और कोई कॉम्बिनेशन देख लो. तो वो कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है. तो वो कितने तरीके से हो सकता है? 8C3. टोटल कितना आ गया? 8C3 into 1. ये तो हुआ एबीसी के लिए. अब बचे हुए 5 पर्सन को, 5 प्लेस जो बचे हुए उनपे कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल. तो ये आ गए हमारे पास ABC के लिए फेवरेबल केसेस. अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास थे इसी, बस दोनों को डिवाइड करा एंड वी गॉट अ प्रोबेबिलिटी एज 1 अपॉन 6. तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा. चलिए अगला देखते हैं. अगले ने क्या बोला? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट बार 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म इज. हमें एक्स की बार 20 का क्या देखना है? कोएफिशिएंट देखना है इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन. तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं. 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 तो है ही सही. अच्छा, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है? फाइनली ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर आप ढंग से देखोगे तो इनर टर्म को देख रहा हूं मैं सिर्फ. देखो, रीअरेंज करो. वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और फिर बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और देखो वो अंदर वाली टर्म ही बचेगी. तो फाइनली ये पावर ऊपर चली जाएगी और हमारे पास एक्सपेंशन क्या बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर माइनस 10. अगर आप ढंग से देखें तो इसको और रीअरेंज कर सकते हैं क्या? हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 तो आगे लिखा हुआ है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1 प्लस x स्क्वायर जो है इसकी पावर माइनस 10 ऊपर लगी हुई है डिवाइडेड बाय x की पावर माइनस 10 लगी हुई है नीचे. ठीक है, और रीअरेंज करो तो ये 1 प्लस x स्क्वायर की पावर्स, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर माइनस 10. फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बच गया कि x की पावर 10 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 30. मतलब जो क्वेश्चन गिवन था ना वो सिंपलीफाई करके हमने ऐसा लिख दिया. अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है? Now we need coefficient of x raised to the power 20 in the expansion of x की power 10 into 1 plus x square की power 30. इसके expansion में x की power 20 का coefficient चाहिए. अब तुम खुद देखो, जो अंदर वाला expression expand होगा, हर term x की power 10 से product होगी, हर टर्म x की पावर 10 से प्रोडक्ट होगी. तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या कि x की पावर 10 तो मेरे को आगे बनी बनाई मिल रही है, मुझे अंदर से सिर्फ x की पावर 10 चाहिए? क्योंकि अगर अंदर से x की पावर 10 देख ली तो वो 10 और 10 मिलके x की पावर 20 बना देगा और हमको मिल जाएगा x की पावर 20 का कोएफिशिएंट. तो या तो दो तरीके हैं क्या कि अगर तुम इस दोनों तरफ दोनों एक्सप्रेशन में x की पावर 10 से डिवाइड कर दो तो इधर x की पावर 10 का कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड होगा और इधर जो एक्सपेंशन बन जाएगा वही बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 30. या फिर दूसरा तरीका क्या है, तुम ये समझो कि x की पावर 10 तो बाहर आ चुकी है, सिर्फ अंदर से x की पावर 10 चाहिए. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि वी नीड ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 30.
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 में से 10 निकाल लो, बाहर ऑलरेडी 10 लगा हुआ है, वो तो प्रोडक्ट होके x की पावर 20 दे देगा। तो हमें सिर्फ इस एक्सपेंशन में x की पावर 20 की जगह x की पावर 10 चाहिए। अब x की पावर 10 चाहिए तो बड़ा आसान है, तो क्या वी नो दैट जनरल टर्म क्या होगी इसकी? अगर मैं ऊपर वाले एक्सपेंशन को देखता हूं तो जनरल टर्म क्या होगी, तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होगा, एन मतलब 30 सी आर, फिर पहला नंबर जो है इसकी पावर n माइनस आर, तो वो तो अपन देखते नहीं है, सिर्फ देखते हैं एक्स स्क्वायर की पावर r, यही होगा इसका जनरल टर्म। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 30 सी आर एक्स की पावर 2r, मुझे इस x की पावर 2r की जगह क्या चाहिए, x की पावर 10 चाहिए, x की पावर 10 ही तो चाहिए, सिंस x की पावर 10 इज रिक्वायर्ड, सो कंपेयरिंग x की पावर 2r with x की पावर 10, क्यों, क्योंकि मेरे को x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 10 कब आएगी, जब ये x की पावर 2r 10 बनेगा तभी तो उसका कोएफिशिएंट आगे आएगा उसके रिस्पेक्ट में। अब तुम देखो अगर यहां से कंपेयर करोगे तो 2r की वैल्यू आएगी 10 और यहां से r कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस जनरल एक्सप्रेशन में r की जगह 5 रखोगे तो यू वुड गेट x की पावर 10। नहीं समझ में आया तो चलो r इक्वल टू 5 रख के वेरीफाई कर लो, 5 रखोगे तो ये बन जाएगा t6, 5 रखोगे तो ये बन जाएगा 30c5, और 5 रखोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 10, क्या बन जाएगा, t6 आ जाएगी जनरल टर्म इज इक्वल टू 30c5 x की पावर 10। देखो x की पावर 10 का कोएफिशिएंट आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 30 इज इक्वल टू कितना, 30c5, ठीक है। अब अगर x की पावर 10 का कोएफिशिएंट इतना है तो अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पावर से तो x की पावर 20 इधर बच जाएगा, इन x की पावर 10 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 30 वुड बी अगेन सेम, क्योंकि दोनों तरफ मैंने x की पावर 10 मल्टीप्लाई कर दी तो कोएफिशिएंट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर वुड बी 30c5 के जो रिक्वायर्ड है वो कितना है 30c5, लेकिन ऑप्शन में तो 30c5 है नहीं बट 30c25 तो है ही सही। कैसे, वी नो दैट 30c5 कैन बी रिटन एज 30c 30 minus 5, NCR is equals to NCN minus R, and we can rewrite is it as 30C25. So it is option B. क्या किया? फिर समझा रहा हूँ। पहले तो उसको simplify किया। Simplify करके क्या बना दिया? ये बना दिया हमने term। फिर हमने देखा कि यार x की पावर 20 चाहिए, 10 तो वैसे भी आ रहा है, अंदर वाले में से 10 निकाल लो। अंदर वाले में से 10 कैसे निकाला? कि यार उसकी जनरल टर्म निकालो और जनरल टर्म पे जो भी x की पावर आए उसको 10 रख दो, अपने आप x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकल जाएगा, r की वैल्यू आती। तो उस अप्रोच से करा तो आंसर आया 30C25। होपफुली क्लियर हो गया होगा, नहीं तो रिमाइंड करने का ऑप्शन तो हमारे पास है ही सही। 10th क्वेश्चन, इसने क्या बोला कि टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, वन टिकट इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक टिकट को उठाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट पिक्ड अप हैज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5 or 8, कि या तो 5 से डिविजिबल हो या वो 8 से डिविजिबल हो, तो इट इज क्वाइट इजी। अगर हमारे पास 1 से लेके 100 तक है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो 1 से लेके 100 तक कुछ भी आ सकता है, तो इट इज 100 इटसेल्फ, कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 100 तक। या तुम ऐसे मान लो कि हमारे पास एक बॉक्स है 1 से लेके 100 तक, ये जो प्लेस है ये कितने तरीके से भरा जा सकता है, 100 वेज है इसको बढ़ने के, तो आंसर इज 100। ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि फ्रॉम 1 to 100 कितने नंबर है 5 से डिविजिबल, तो नंबर डिविजिबल बाय 5 वुड बी, आप क्या करो, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो बताएगी कि उस पूरी रेंज में कितने मल्टीपल हैं। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 आपके पास हाईएस्ट नंबर है तो 100 को 5 से डिवाइड करो, आपके पास आ जाएंगे 5 के मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 20 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 इन दिस रेंज, ठीक है। अब नंबर डिविजिबल बाय 8 भी निकाल लें, तो 100 को 8 से डिवाइड करो, तो जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो आपको दे देगी टोटल कितने नंबर होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे, तो 12 8 96, मतलब 96 तक उसको 12 मल्टीपल मिल जाएंगे, तो 12 नंबर्स आर इन डिविजिबल बाय 8 इन दिस रेंज, 12 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। लेकिन क्या लोचा हो गया, लोचा ये हो गया कि जब मैंने 5 के नंबर्स देखे थे, 5 के मल्टीपल, तो वहां पर
कुछ नंबर मुझे ऐसे भी दिखे हैं जो कि 8 के मल्टीपल भी है, 5 के भी है, 8 के भी है। कैसे? अगर 5 के मैंने मल्टीपल्स में से 40 एक नंबर देखा तो वो तो 8 का मल्टीपल भी है, तो ऊपर भी 40 गिनने में आ गया, नीचे भी 40 गिनने में आ गया। तो अब मैंने क्या लिखा, 5 और 8 के कॉमन मल्टीपल हटाने, तो मैं क्या लिखूंगा कि नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 8 दैट इज 40, क्योंकि 5 और 8 का मल्टीपल क्या होगा, कॉमन 40 होगा। तो 40 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100 में से 40 को डिवाइड करो तो इंटीजर आएगा 2। इसका मतलब टू नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय द कॉमन ऑफ 5 एंड 8 व्हिच इज 40, सॉरी कॉमन ऑफ 5 एंड 8 नहीं, 5 और 8 का जो मल्टीपल आएगा कंबाइंड वो आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला, हमें तो चाहिए कि या तो 5 या तो 8, तो मैं क्या बोलूंगा, सो द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 और 8 वुड बी मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5m निकाल लो प्लस उनमें जोड़ दो मल्टीपल ऑफ 8, 8m निकाल लो उसमें से घटा दो उनके कॉमन नंबर जो रिपीट हो रहे हैं। तो 5 के मल्टीपल कितने निकले ऊपर, 20, 12 के मल्टीपल कितने निकले, 12, उसमें से घटा दो वो जो दो नंबर जो कि आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर दो नंबर ऐसे समझ में नहीं आ रहे तो देखो यहाँ पर भी 80 आएगा, यहाँ पर भी 80 आएगा, ये दो नंबर ऐसे आएंगे जो कि इन दोनों में कॉमन होंगे, जो कि हमने ऊपर भी गिन लिया होगा नीचे भी गिन लिया होगा, तो डबल गिन लिया तो एक बार हटाना पड़ेगा, तो वो दो नंबर हमने पीछे माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 32 से 30, 30 होंगे हमारे फेवरेबल केसेस जो हमें देंगे द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 और 8। तो मैं क्या बोलूंगा, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल केसेस तो वो है 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस वो है 100, तो आंसर कितना हो गया 3/10 व्हिच इज ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी। यहां पर इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 और 8 जो है हमने देखो सेट पढ़े थे, सेट में अगर मैं बोलता हूं कि n ऑफ 5 और 8 कि 5 और 8 के कितने नंबर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है, नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है माइनस नंबर जो कि 5 और 8 के कॉमन है। यही तो होता है फॉर्मूला, सेट थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं कि अगर मुझे बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 और 8 तो वो क्या होगा, 5 जोड़ो 8 जोड़ो और उसमें से घटा दो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, तो उससे भी वही चीज निकलेगी जो हमने ऊपर निकाली है। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ऊपर वाली मेथड जो मैंने बताई है वो तो खैर इजी है ही सही, लीनियंट मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं, तो आंसर वुड बी 3/10। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर, तो चलिए इसको करते हैं। अच्छा इसको मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है कि 1 into NC1 प्लस 2 into NC2 प्लस 3 into NC3 ऐसे करते करते कहीं बीच में आएगा R into NCR और फिर आगे बढ़ता बढ़ता N into NCN आ रहा है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इसको अगर मैं समेशन में लिखना चाहूँ समराइज करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि R into NCR, क्योंकि देखो Rth टर्म तो हमने देख ही ली R into NCR होती है, सिर्फ हमको R की वैल्यू डिसाइड करनी है, तो R को 1 से स्टार्ट करो और N तक ले जाओ। अगर आप R की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो पहली टर्म बन रही है, R की वैल्यू 2 रखोगे तो यू विल गेट सेकंड टर्म, R की वैल्यू 3 रखोगे तो यू विल गेट थर्ड टर्म, और R की वैल्यू N तक लेके जाओगे तो यू विल गेट Nth टर्म, मतलब हमारे पास यही होगा नोटेशन इसका। अब देखिए इसको और ढंग से कि ये है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, अब इसको आर तो है ही सही। अच्छा एनसीआर जो है वो मैं साइड में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। अब अगर इस फैक्टोरियल एन में से मैंने एक एन बाहर निकाल दिया तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल बन गया, इस आर में से भी मैंने एक आर बाहर निकाल दिया तो बचा आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इस एन माइनस आर को मैंने लिखा एन माइनस वन तो था ही सही और माइनस में लिख दिया आर माइनस वन और उसका फैक्टोरियल। अब देखो इसको ओपन करो, इसको ओपन करो तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, तो वापिस प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल ही। तो कहने का मतलब यह है कि इस एन सी आर में से मैंने एक एन कॉमन लिया और एक आर कॉमन लिया, एन न्यूमिनेटर में से आर डिनोमिनेटर में से, तो बचेगा क्या मेरे पास एन माइनस वन सी आर माइनस वन। देखिए आप ढंग से एन माइनस वन सी आर माइनस वन बचेगा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आर की रिक्वायरमेंट नहीं थी आंसर में तो आर को कैंसिल कर दिया। ये साइड में एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो पेन और पेपर पे करके देखो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अगर एनसीआर कहीं लिखा हुआ है तो इट इज इक्वल टू एन बाय आर टाइम्स ऑफ
एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग एक्सपेंड कर लेना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया सिंपली सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन तक एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखिए ये जो समीशन लगा हुआ है ये किस पे लगा हुआ है, आर पे लगा हुआ है, मतलब आर की वैल्यूज इससे इफेक्ट होगी, एन इफेक्ट नहीं होगा। तो जब आर पे लूप लगा हुआ है तो एन जो होगा वो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो एन बाहर चला गया, बचा क्या हमारे पास सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन तक एन माइनस वन सी आर माइनस वन, क्योंकि जो भी वेरिएशन होंगे वो आर में होंगे एन में नहीं होंगे, तो एन वुड बी अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब आर की वैल्यूज रख दो और इसको ओपन कर दो, जब हमने आर की वैल्यूज रखी इसमें तो आर इक्वल टू वन पे ये नीचे क्या बन जाएगा, जीरो, देखो ऊपर तो हमेशा एन सी वन ही रहेगा, मतलब एन माइनस वन सी तो रहेगा रहेगा आइटम पे, R की वैल्यू पहली क्या रखी वन रखी, तो R माइनस वन क्या देगा जीरो, फिर अगली वैल्यू क्या रखोगे R की टू, जैसे R की वैल्यू टू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा टू रखो यहाँ पर तो टू माइनस वन विल रिजल्ट एज वन, R की वैल्यू थ्री रखो तो थ्री रखोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन सी टू, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू R की क्या रखनी n, जैसे n रखोगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस में n माइनस वन सी n माइनस वन। ये मैंने क्या किया इसको ओपन कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अब वापिस से समझने वाली बात क्या कि यार हमने एक रूल पढ़ा है अगर तुम्हें याद हो तो, कि सिंस वी नो दैट एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू अगर लिखा हुआ है एन सी एन, तो ये हमेशा होता है टू की पावर एन के, ये तो पढ़ रखा है टू की पावर एन के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एन को रिप्लेस कर दूं एन माइनस वन से, एन को रिप्लेस कर दूं एन माइनस वन से, तो क्या बन जाएगा एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन प्लस एन माइनस वन सी टू, और ये कहां तक जा रहा है एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया, तो आर एच एस में भी अगर एन आ रहा है तो उसकी जगह एन माइनस वन ही लिखना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा और ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, तो अंदर वाले ब्रैकेट को डायरेक्टली लिख सकते हैं टू रेज़ टू द पावर एन माइनस वन, और देखो ये किस ऑप्शन को मैच कर गया, ये मैच कर गया ऑप्शन नंबर सी को, कि एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। आपके पास सारा एक्सप्लेनेशन है, ढंग से देखिए, पहले मैंने क्या किया इसको समेशन फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया आर को हटा दिया क्योंकि ऑप्शन में मेरे को आर की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने कौन सा लॉजिक लगाया, मैंने लगाया ये वाला लॉजिक जिससे मैंने एन अपॉन आर आगे ले लिया और फिर एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख दिया। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये एन जो है ना इसका आर से कोई लेना देना नहीं तो बाहर चले जाएगा। अब आर की वैल्यू वन रखी, टू रखी, थ्री रखी, अप टू एन रखी, तो ये एक्सप्रेशन बना, साइड वाला फॉर्मूला लगाया तो वो तो टू की पावर एन माइनस वन दे दिया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एन इंटू टू रेज़ टू द पावर एन माइनस वन। होपफुली इट वुड बी क्लियर टू यू। चलिए ट्वेल्थ देखते हैं, ट्वेल्थ ने क्या बोला, सिक्स बॉयज हैं सिक्स गर्ल्स हैं, ठीक है, sit in a row in random, find the probability that the boys and the girls sit alternately, alternately बिठाना है। तो सबसे पहले तो देख लें कि total person कितने हैं, total persons are 12, total 12 person है, अगर 12 person है तो इनके arrangement कितने होंगे, तो total number of ways या total number of arrangements for the same would be 12 factorial, क्योंकि 12 person है, 12 places है, उनको कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, factorial 12 तरीके से, this is equation number 1, ये आ गया हमारा denominator। अब हमने क्या देखा, हमें alternately बिठाना है, ठीक है, तो for alternate sitting क्या किया मैंने, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 places है, मैंने एक काम किया boys को यहाँ बिठा दिया B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, बॉयज को पहले बिठा दिया alternate, ठीक है, तो जो बची हुई गर्ल्स हैं उनके लिए तो places fix हो गए alternate, ठीक है, फिर तो हो गया कि boys can be arranged, कैसे अरेंज किया जा सकता है बॉयज को, सिक्स प्लेसेस हैं, सिक्स पर्सन हैं, फैक्टोरियल सिक्स तरीके से अरेंज किया जा सकता है अगर कॉम्बिनेशन देखो तो। नाउ गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, छह प्लेसेस हैं और छह में छह को ही बिठाना है, तो फैक्टोरियल सिक्स वे से इसको अरेंज किया जा सकता है। तो अगर ये वाला पूरा केस देखा जाए, ये मैंने क्या करा है फॉर अल्टरनेट सिटिंग केस नंबर वन डील कर रहा हूं मैंने, कि बॉयज को पहले फिक्स कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, बिकॉज इट इज अ कंबाइंड टास्क, बॉयज के साथ गर्ल्स बिठाना जरूरी है, तो ये तो पहला केस आ गया हमारे पास। अब केस टू लेते हैं, केस टू ऐसा भी तो बन सकता है कि सर आपने पहले बॉयज को फिक्स किया, मैं तो गर्ल्स को फिक्स करूंगा,
क्योंकि बॉयज और गर्ल्स जो है वो भी तो परम्यूट हो सकती है, मतलब बॉयज को पहले बिठाया अब हो सकता है गर्ल्स को बिठा दिया, जैसे देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लेसेस ले लिए, मैंने बॉयज को फ्रीज किया था ना, अब गर्ल्स को फ्रीज कर देंगे, तो गर्ल्स को फ्रीज करने के लिए क्या क्या, G1, G2, G3, G4, G5, G6 इनको अल्टरनेटली बिठा दिया, चलिए बिठा दिया। अब वापिस देखो गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड, पहले गर्ल्स को अरेंज करना है तो इट वुड बी फैक्टोरियल 6 वेज, और बॉयज को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है तो इट इज अगेन फैक्टोरियल 6 वेज। तो टोटल मिला के इस केस के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो टोटल वेज वुड बी 6 factorial into 6 factorial बिकॉज इट इज अ कंबाइंड टास्क। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ फेवरेबल केसेस फॉर ऑल्टरनेट सेटिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वुड बी C1 और C2 का एडिशन। C1 कितना आया था, 6 factorial into 6 factorial, और C2 कितना आया, वो भी 6 factorial into 6 factorial हो गया। तो ये तो क्या हो गया, 2 times of 6 factorial into 6 factorial हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपने क्या करा, आपने पहला केस ले लिया कि ऑल्टरनेट कैसे बिठा सकते हैं 6 factorial into 6 factorial। अब बॉयज का गर्ल्स के साथ कितना अरेंजमेंट हो सकता है 2 factorial तरीके से, क्योंकि BG और GB अलग अलग केसेस हैं, तो इनटू 2 वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो लेंथी तो मैंने बताया है ही सही। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे, तो मैं क्या लिखूंगा, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी एक्सेप्टेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। एक्सेप्टेबल केसेस कितने आए, 2 times of 6 factorial into 6 factorial डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, तो वो तो 12 फैक्टोरियल हमने इक्वेशन नंबर 1 में अरेंज कर लिया था कि वो तो 12 फैक्टोरियल तरीके से हम टोटल 12 पर्संस को बिठा सकते हैं। बस अब तो क्या करना है, अब तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 into 6 factorial into 1 6 factorial को खोल रहा हूं मैं, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूं, तो 12 11 10 9 8 7 into 6 factorial, तो ये जो 6 factorial है 6 factorial से कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 6 ने 12 को 2 टाइम कैंसिल किया, ये 5 ने 10 को 2 टाइम कैंसिल किया, ये 4 ने 8 को 2 टाइम कैंसिल किया, और ये 3 ने इस 9 को 3 टाइम कैंसिल किया, जो कैंसिल होकर बचे हैं वो नीचे लिख दिया मैंने, ये जो 2 है इसने इस 2 को भी उड़ा दिया, और ये जो 2 है बाहर वाला इसने इस 2 को भी उड़ा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 बचा, नीचे डिनोमिनेटर बचा 2 into 11 22 22 into 3 66 66 into 7, यही बचा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 4 4 62, तो 1 upon 462 वुड बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, 462 वाला ऑप्शन ए। देखिए पहले टोटल अरेंजमेंट निकाला, फिर बॉयज को पहले सेट किया उसके अरेंजमेंट दिखा रहे, फिर गर्ल्स को सेलेक्ट किया फिर उसके अरेंजमेंट निकाले, फिर सबको जोड़ दिया C1 और C2 को, तो मेरे पास आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल। फिर मैंने क्या करा, फेवरेबल अपॉन टोटल करके 1 upon 462 आंसर निकाल दिया। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्या बोला कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जो टर्म होगी जो कि x से इंडिपेंडेंट होगी, मतलब उस टर्म में x का कोएफिशिएंट मस्ट बी 0, ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो निकालना है। तो पहले तो ये जो भयानक दिखने वाली टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करें, देखो ये जो ऊपर x प्लस 1 लिखा हुआ है इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे वाली जो टर्म है इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं कि x की पावर 1/3 का स्क्वायर, चलो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस x की पावर 1/3 और प्लस 1, पीछे जो लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसा लिखा कि ये तो लिखा हुआ है x की पावर 1/2 माइनस 1 इनटू x की पावर 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, यहां पर मैंने x की पावर 1/2 को कॉमन लिया, बचेगा क्या मेरे पास x रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 और होल पावर जो 10 लगी हुई उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। अब यहां पर क्या क्या यूज किया मैंने, मैंने यूज किया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b इनटू a माइनस b, और आगे वाली स्टेप में मैं क्या यूज करने वाला हूं कि वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रहा हूं। तो देखिए ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस b मतलब x की पावर 1/3 प्लस 1, a स्क्वायर मतलब x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस a इनटू b तो माइनस x की पावर 1/3 बन जाएगा प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है, नीचे तो वो जो x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/3
प्लस वन नीचे लिखा हुआ था उसको छेड़ा ही नहीं, माइनस में देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, बचा क्या ऊपर मेरे पास, तो ये बना x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1 बाय 2 और ये ओवरऑल पावर इज 10। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये इस न्यूमरेटर वाली टर्म से कैंसिल होती हुई दिख रही है आइडेंटिकल टर्म से, तो हमारे पास पहली स्टेप में क्या बचा, पहली टर्म में मेरे पास सिर्फ बचा x की पावर 1 बाय 3 प्लस 1। अच्छा अगर इसको आप इंडिविजुअली लिखोगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 दे देगा 1 और ये दे देगा पीछे प्लस x की पावर माइनस 1 बाय 2। इस ब्रैकेट को मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि x की पावर 1 बाय 2 को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया दोनों से। अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस x की पावर माइनस 1 बाय 2 होल पावर कितना 10। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बन गया x की पावर 1 बाय 3 माइनस x की पावर माइनस 1 बाय 2 होल रेस टू द पावर 10। ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमें क्या चाहिए कि इसके एक्सपेंशन में मुझे ऐसी टर्म चाहिए जो कि x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब x का जो कोएफिशिएंट, x की जो पावर हो वो जीरो हो, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो निकालना है। तो अब एक काम करते हैं इसकी जनरल टर्म लिखते हैं एक्सप्रेशन की, और वो जो जनरल टर्म होगी उसमें जो x की पावर आएगी उसका जो भी पावर आएगा उसको जीरो कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा नाउ जनरल टर्म ऑफ अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर, मतलब 10 सी आर, पहला नंबर x की पावर 1 बाई 3 उसकी पावर n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर, दूसरा नंबर x की पावर माइनस 1 बाई 2, x की पावर माइनस 1 बाई 2 एक नेगेटिव आगे लगा हुआ है और उसकी पावर कितनी r, यही है। इसको और रीअरेंज कर लेते हैं, 10 की पावर्स को एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर, ये हो जाएगा देखो x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 3, तो यहां से आ जाएगा क्योंकि एक पावर के ऊपर दूसरी पावर तो बोथ विल गेट प्रोडक्ट। ये माइनस 1 की पावर r को पीछे फेंक देते हैं अलग से, इससे कोई लेना देना है नहीं, और ये जो x की पावर बनेगी यहां पर इस ब्रैकेट में वो कितनी बनेगी माइनस में 1 अपॉन 2r। अगली स्टेप में क्या होगा कि सेम बेस से तो पावर सेट हो जाएंगी, तो टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर r तो है ही सही, ठीक है 10 सी आर भी है ही सही, यहां पर x की पावर फाइनली ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 10 माइनस r अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2। और देखो ये जो r है ना ये नीचे नहीं, ये ऊपर जाएगा, r ऊपर प्रोडक्ट होगा क्योंकि r जो है वो सीधा 1 बाई 2 से प्रोडक्ट होगा, तो इट विल बी r बाई 2 ना कि 1 अपॉन 2 r। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये जो जनरल टर्म है इसमें x का कोई मतलब x का जो पावर होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए तभी वो टर्म x से इंडिपेंडेंट होगा, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम x पुटिंग 10 माइनस आर अपॉन 3 माइनस आर बाई 2 इक्वल टू जीरो। क्या किया कि जो ऊपर वाली टर्म है इस ऊपर वाली टर्म में मुझे वेरिएबल फ्री करना है, इसको इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स करना है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स तभी होगा जबकि ये जो एक्स के ऊपर पावर लगी हुई है ये जीरो हो जाए, तो मैंने इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू जीरो रख दिया। अब इस वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखने पे देखो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया 6 से हो जाएगा 2 आगे तो इट इज 10 माइनस आर, 3 पीछे चला जाएगा तो माइनस 3 आर इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 आर माइनस 3 आर इक्वल टू जीरो, तो 20 इक्वल टू 5 आर और यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब r की वैल्यू 4 रखने पे टी आर प्लस 1 में जो x का आपके पास पावर है वो जीरो हो रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर r की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा t5 r की वैल्यू 4 रखने पे ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा 10 सी 4 और पावर हो गई x की पावर 0, तो मतलब t5 जो होगा वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट चाहिए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा 10 सी 4, 10 सी 4 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, 3 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये हो गया 30 और ये हो गया आपके पास 42 210। अच्छा ये 2 इस 2 को भी तो कैंसिल कर देगा तो आंसर वुड बी 210। तो ये जो पूरी टर्म होगी जो कि आपका वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके कोएफिशिएंट की 210 एंड 210 इज ऑप्शन ए। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, पहले तो इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करके हमने क्या कर दिया, हमने ये वाली टर्म बना दी बड़ी सिंपल सी,
मतलब a माइनस बी की पावर 10 बना दिया। अब इसकी जनरल टर्म निकाली, उस पे x की पावर को कैलकुलेट किया। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो टर्म मिलनी चाहिए मुझे, जिसका कोएफिशिएंट चाहिए, उसकी पावर 0 होनी चाहिए x की। तो जो पावर लगी हुई थी उसको 0 कर दिया, जिससे कि r की वैल्यू निकल के आ गई 4। r 4 आ गया तो टर्म निकल के आ गई पूरी की पूरी। देखो 4 रखते x की पावर 0 बन गया, मतलब वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x हो गया। जो कोएफिशिएंट था उसको सॉल्व किया, आंसर कितना आया 210। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। चलिए 14th देख लेते हैं। 14th के लिए डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। यही तो बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ के, अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अच्छा, एक और रूल हमें पता है कि वी नो दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस पूरी इक्वेशन को भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब हमारे पास पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो सिंस वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। वैल्यूज प्लेस कर दो तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए 0.40, P of B 0.48, A union B मतलब A intersection B 0.16, तो ये हो जाएगा 0.88 minus 0.16 that is equal to 0.72। ये probability किसकी आई है, A union B की। जब A union B की probability ये आई है हमारे पास, तो अब तो फिर साफ देखो क्या कि from equation number 1, क्योंकि equation number 1 में रख दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा A dash intersection B dash is equal to 1 minus A union B। तो A union B कितना है 1.72, so it is 0.28 and 0.28 is option B। तो hopefully ये तो formula based question था, समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसे अच्छे से एक बार। पहले तो क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि आपको सेट में भी पढ़ाया जाता है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाया जाता है। वहां से हमने 1 माइनस ए बार, मतलब ए बार को लिखा 1 माइनस ए, फिर उसके बाद ये फॉर्मुलेट कर लिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रीमियर का। इसमें क्या बोला हमको कि ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ये किससे डिविजिबल होगा इनमें से, तो इट इज क्वाइट इजी। ये जो 101 है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 100 की पावर 100, और पीछे लिख दिया माइनस 1। ठीक है, अब उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस x की पावर n क्या होता है, 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर अप टू आगे चलता जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर 1 प्लस 100 की पावर 100 को एक्सपेंड किया तो क्या बनेगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो nc1 मतलब 100c1 into 100, फिर अगला क्या हो जाएगा 100c2 इंटू 100 स्क्वायर, फिर उसके अगले क्या हो जाएंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगी। अब अगर मैं 1 प्लस 100 की पावर 100 के पीछे एक माइनस कर दूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 प्लस, देखो NC1 क्या होता है ये हमें पता है कि NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100। फिर आगे क्या हो जाएगा, NC2 को आप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ 100 स्क्वायर लिख रहा हूं, और आगे जो भी टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी आपके पास, पॉजिटिव नंबर ही आएगी, क्योंकि 100 स्क्वायर सब में आएगा, क्योंकि ये 100 स्क्वायर दिखा, फिर 100 क्यूब दिखेगा, फिर 104 दिखेगा, और पीछे क्या आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि हमने दोनों तरफ माइनस 1 किया है। अब ये माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, देखिए क्या बन गया हमारे पास, ये जो पूरा का पूरा टर्म था, सॉरी ये माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल नहीं करना है, ये तो हमने लिखा था, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हुआ। अब ये तो हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा LHS में। ठीक है, RHS देखिए ये क्या हो रहा है, ये दे रहा है 100 का स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन, यहां से क्या बचा दूसरी टर्म से 1, उसके आगे वाली टर्म से क्या बचा, सर वो जो ब्रैकेट आपने पॉजिटिव लिखा था ना वो ब्रैकेट बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सपेंशन की हर पावर या हर नंबर जो होगी वो 10 स्क्वायर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो गिवन क्वेश्चन होगा, मतलब 101 की पावर 100 माइनस 1 विल बी डिविजिबल बाय 100 का स्क्वायर, ये 10 नहीं दिस 100 है, तो 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 यही होता है।
अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ये वाली टर्म 100 से डिविजिबल है क्या, तो जब 100 की स्क्वायर से डिविजिबल है तो 100 से तो डिविजिबल होगी, पावर 4 दिख रही है तो पावर 2 तो आनी है, पावर 4 से डिविजिबल है तो पावर 3 से भी डिविजिबल होगा, पावर 4 से डिविजिबल है हाँ तो ये पावर 4 से डिविजिबल है, तो ये जो टर्म है तो सबसे डिविजिबल है, तो आंसर कितना आ गया ऑल ऑफ दीज, सब कुछ आपके सामने है। बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करते ही प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, यहां पर पूरा का पूरा मेरे पास 100 स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी जो भी बना वो एक पॉजिटिव नंबर बनेगा बड़ा सा, ठीक है। अब अगर कोई नंबर किसी 100 स्क्वायर से मल्टीपल है, तो अगर मेरे पास RHS में 100 स्क्वायर का मल्टीपल है तो LHS भी 100 स्क्वायर का ही मल्टीपल होगा, और जब Q 100 स्क्वायर का मल्टीपल है तो वो 100 से भी डिविजिबल होगा, 1000 से भी डिविजिबल होगा और 10000 से भी डिविजिबल होगा, सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो होपफुली ये जो प्रीमियर क्लास है जिसमें कि हमने बाइनोमियल के क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लिए, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में इसके सॉल्यूशन बनाए हैं, फिर भी इन केस अगर कोई चीज रह जाती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू।